हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी आप घर में किस तरीके से ब्लैक हेड को रिमूव कर सकते हैं नेचुरल तरीके से। जी हाँ, ब्लैक हेड की प्रॉब्लम हर किसी को होती है। मतलब बात करूँ तो ब्लैक हेड बहुत जिद्दी टाइप के होते हैं। आप एक बार आ जाते हैं फिर आसानी से जाते नहीं, और ये हर स्किन टाइप के लोगों को होती है। लेकिन एक्ने ऑयल टू कॉम्बिनेशन स्किन वालों को ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, क्योंकि उनके जो स्किन से आप देखते होंगे ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल निकलता है। ऑयल निकलने का मतलब ये होता है कि जो उनके जो पोर्स होते हैं वो ज़्यादा ओपन होते हैं, तो उसमें धूल मिट्टी गंदगी जाती है और आपकी स्किन को आपके पोर्स को ब्लॉक कर देती है, तो जो बाद में एक्ने ब्लैक हेड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आप चाहते हैं अगर आपकी स्किन हेल्दी बनी रहे, उस पर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो स्किन रिलेटेड, तो आपको अपने स्किन केयर रूटीन ज़रूर फॉलो करने चाहिए। चाहे वो कोई सा भी मौसम हो, कितने भी आप थके हों, आप अपना स्किन केयर रूटीन ज़रूर फॉलो करें। और तो बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज मैं हम लोग के लिए जो रेमेडी लेकर के आई, उसे बनाना बहुत ही आसान है, बिल्कुल नेचुरल है। आपको हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 बार यूज़ करना है, और आप सिर्फ रेगुलर यूज़ करते हो तो आपकी वो ब्लैक हेड की जो प्रॉब्लम है बहुत हद तक कम हो जाएगी। और न सिर्फ आपके ब्लैक हेड को रिमूव करेगा, बल्कि जितने भी आपके फेस पे जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है उस सबको एब्जॉर्ब करके आपकी स्किन को बिल्कुल ब्लैमिश फ्री बना के रख देगा। तो आइए चलिए देखते हैं दोस्तों इसे बनाना कैसे है। और अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे है। तो दोस्तों, आपको सिर्फ एक चीज़ लेनी है, वो है बेकिंग सोडा। जी हाँ, बेकिंग सोडा हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्पेशली ऑयली स्किन वालों के लिए तो बहुत अच्छा होता है। सारे ऑयल को आपको मीन्स आपकी सारे ऑयल को सोक करके आपकी स्किन को बिल्कुल सॉफ्ट बना देगा, साथ में एक्सफोलिएशन का भी काम करेगा। तो हम इसको बेकिंग सोडा लेंगे। एंड नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें लेंगे वो है सिर्फ पानी। जी हाँ, इसमें आपको कुछ भी ऐड नहीं करना। आप चाहे तो रोज़ वाटर भी ले सकते हो, तो सेम इक्वल क्वान्टिटी में हम इसमें वाटर ऐड करेंगे। तो दोस्तों, मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब हम इसका गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। जी हाँ, पतला नहीं बनाना आपको, बस इस तरीके से आप इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मैं आपको पहले बता दूं, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप पैच टेस्ट ज़रूर करें। ये आपको हो सकता है आप जब इसके फेस पे अप्लाई करें थोड़ी सी माइल्ड इरिटेशन हो सकती है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। आप अगर फिर भी आप एक बार पैच टेस्ट ज़रूर करें। तो मैं आपको अपने फेस पर लगा करके दिखाती हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, सेम वैसे ही बनाना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है एक्स्ट्रा। उसके बाद आपको जिस भी एरिया पे लगाना है वहाँ पे आप गर्म पानी से इसे धो लीजिए। तो मैं यहाँ पे अपने नोज़ पे आपको अप्लाई करके बता रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे टॉवल लिया हुआ है, तो मैं कुछ देर के लिए इसे अपने नोज़ पे अप्लाई करूँगी, ताकि हमारे जितने भी पोर्स हैं उस एरिया के वो ओपन हो जाए। तो सेम आपको भी ऐसे ही करना है, और मैंने इसे अच्छे तरीके से इसे साफ कर, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका पेस्ट बन जाएगा। अब हम इसे डायरेक्टली अपने एरिया पे लगाएंगे। आप चाहे तो ब्रश से भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे फिंगर से लगा रही हूँ। आपको इसे तब तक लगाए रखना है जब तक ये सूख नहीं जाता। तो बस इसके बाद हमें इसे वॉश कर लेना है हल्के हाथों से स्क्रबिंग करते हुए। ये आपके स्क्रबिंग का भी काम करेगा और आपके ब्लैक हेड को भी रिमूव करेगा। तो बस आपको इसे लगा के छोड़ देना है, जैसे मैंने बताया सूख जाएगा तो हम इसे वॉश कर लेंगे हल्के गर्म पानी से। तो दोस्तों, मेरा जो पैक था वो पूरी तरीके से सूख चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको इसे हल्के गर्म पानी से धो लेना है। तो मैं यहाँ धोने के नहीं दिखा रही हूँ आपको, मैं यहाँ पे जैसे मैंने आपको टॉवल से बताया था सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे बेड टॉवल का यूज़ कर रही हूँ इसे रिमूव करने के लिए। और इसे हल्के हाथों से स्क्रबिंग करते हुए मैं इसे रिमूव करूँगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे जो इतने दूर का एरिया मैं आपको पास से कितना साफ लग रहा है। और आप इसे जैसे मैंने बताया सेम उसी तरीके से करके देखिए, हफ्ते में 2 से 3 बार आपको साफ इसका रिजल्ट समझ में आएगा। और मैंने भी इसे हफ्ते में 2 से 3 बार ट्राई किया था, मुझे काफ़ी इसका फर्क समझ में आया, तो मैंने आप लोगों के साथ इसे शेयर किया। तो आप भी इसे लगा करके देखिए। और हाँ, इसे लगाने के बाद आपका जो एरिया है वहाँ पर ड्राई हो जाएगा, क्योंकि आपके सारे ऑयल को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसके बाद आप मॉइस्चराइजर ज़रूर लगाएं। तो मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ अपना पतंजलि का, ये शिया बटर मॉइस्चराइजर। आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, क्योंकि विंटर का दिन है आपको ज़रूरी मॉइस्चराइजर। तो मैं यहाँ पे विंटर मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ। तो सेम आप इसी तरीके से कोई मॉइस्चराइजर लगा लें।
तो बस यही सिंपल चीज़ें थी जो आपको करनी है, और आप इसे बहुत इफेक्टिव रेमेडी है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई पैसे नहीं खर्च करने वाले। कितने का मिलता है? 20-25 रुपए का आपको मिलेगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा कोई पैसे नहीं खर्च होने वाले, इतने में तो आपको शायद स्क्रब भी ना मिले। तो दोस्तों ये रेमेडी थी मेरी आज की। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा। मैं मिलती हूँ हमेशा की तरह से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।